हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे एग्जाम ईपीटेट का आने वाला है, उसमें आने की संभावना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है। ठीक है, साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। क्लियर, इसका आंसर यही है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यहाँ पे पूछा गया था मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं पर्टिकुलर मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। और अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि आत्मा का मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे? अरस्तु थे। क्लियर, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है उनका राइट आंसर है विलियम बोंट। क्लियर, फिर अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट ही हैं। यह क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो दोनों का कौन सा राइट आंसर होगा? विलियम बुंट। अगर क्वेश्चन में विलियम बुंट की जगह विलियम जेम्स है, अगर क्वेश्चन में विलियम बुंट नहीं है और विलियम जेम्स है, तो हम विलियम जेम्स पे टिक करेंगे। अगर दोनों हैं तो हम विलियम बुंट को टिक करेंगे, क्योंकि राइट आंसर इसका विलियम बुंट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है, और ये किसने लिखी थी? रुडोल्फ गाइकिल ने लिखी थी। रुडोल्फ गाइकिल, और ये लिखी कब गई थी? 1590 में। अब इस क्वेश्चन से बनने वाले हमारे तीन क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। अगर पूछ लिया जाए मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? रुडोल्फ गाइकिल है, और लिखी कब गई थी? 1590 में लिखी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? कैम्ब्रिज में खोली थी।
कैम्ब्रिज में खोली गई थी। और यह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली किसने थी? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहारवाद की विधि को स्वीकार करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? मतलब पहले मनोविज्ञान ने अपने मन का त्याग किया, आत्मा का, फिर मन का, उसके बाद चेतना का, और अब क्या है, व्यवहारवाद की विधि को अपनाए हुए। तो इस परिभाषा को मानने वाले या कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे बुडबर्थ। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की? तो मैकडूगल ने अपनी किस पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की थी? बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी ने, साइकोलॉजी जो बुक है, इसमें चेतना शब्द की निंदा की थी मैकडूगल ने। और ये किस पेज पे करी थी? पेज नंबर जो है हमारा इस बुक का है पेज नंबर 16 पे। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वह थे पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था, और ये कब कहा था? 17वीं शताब्दी में। और पेम्पोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक थे ये कहाँ के निवासी थे? इटली के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है वह कौन सी है, तो साइकोलॉजी है। उसके जो लेखक कौन है? रुडोल्फ गाइकिल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा का विज्ञान कौन सी शताब्दी के मध्य चला? तो आत्मा का विज्ञान कब तक चला था? 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अंत तक। 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1879 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया? मतलब मनोविज्ञान को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में कब लाया गया था? 1880 में। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम बोंट। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? अभी हमने देखा था कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब खोली गई थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस शहर में खोली गई थी। तो किस शहर में खोली गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली गई थी। लिप्जिंग नगर में या
शहर में इसको कह सकते हैं खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है या जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है? कार्ल विंस के नाम से जानी जाती है, कार्ल विंस विश्वविद्यालय। के नाम से ये जानी जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी पहले इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था लिप्जिंग विश्वविद्यालय और वर्तमान समय में इसको क्या कहते हैं, कार्ल विंस विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसके बीच में जो मध्य में इसका क्या नाम था, ठीक है, इसको कमेंट करके आप हमें बताइएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लाया गया, मतलब जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, वॉटसन। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था और व्यवहार का विज्ञान और जो व्यवहारवाद की नींव किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी, ये अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसकी नींव रखी गई थी, किसकी, व्यवहारवाद की। हॉपकिंस विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हमने पीछे बताया था कि ये व्यवहारवाद किस विधि विश्वविद्यालय में रखी गई, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यह विश्वविद्यालय, व्यवहारवाद की नींव अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी, तो हॉपकिंस विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, कौन सा है, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कब खोली गई, तो मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला है कब खोली गई थी, 1890 में ये खोली गई थी, ठीक है, किसने खोली थी, विलियम जेम्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा खोली गई, तो हमने यहाँ बता ही दिया आपको, रिपीट हो गया है, विलियम जेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉटसन कहाँ के निवासी थे, तो वॉटसन कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के। आत्मा ही पूर्ण विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी, या जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा था, तो ये कहा था डेकार्ते ने, इसको डेकार्ते भी बोलते हैं और डेकार्ते भी, कई बुक्स में देखा है तो दोनों नाम लिखे मिलते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, कलकत्ता में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा का अध्ययन या इसको विज्ञान कह सकते हैं लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो किस शब्द से बना है, ये साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी हुई उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक या
यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा से हुई है और साइकोलॉजी शब्द को यूनानी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। दैट्स इट।